मेरी शर्ट कहाँ गई? वही होगी बेटा। कहाँ वही होगी, मिली नहीं। गौर से देखो बेटा, उसको दबा के ऐसे निकाल दो। दबाया नहीं। शाहिद कहाँ जा रहा है बेटे? आ रहा हूँ मैं। Yes, it's a man.
अम्मी शाहिद आ गया। शाहिद? हाँ, आजमगढ़ से आ गया। बेटा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ थोड़े दिन में एग्जाम है तेरा, कैसे करोगे इतनी जल्दी बता। क्या बात कर रही बेटा, पढ़ाई की है ना, तैयारी है ना तेरी एग्जाम की। चला मुंह हाथ धो ले, मैं चाय बात करने देखे। अभी तो आया है, चाय तो पीना दो उसे। बैठने दे, इतने दिनों बाद आया है। कोई बात नहीं, चल। चुप हो जा, बिल्कुल जो बात करनी है नीचे करनी है। लाइट बंद करो। ओ साहिब भाई, लाइट बंद कर दो ना। कर रहा हूँ, सो जा। तो बंद करना। हमने कहा था क्या काम रखने के लिए? यार क्या लगा रखा है, सोने दो ना। पढ़ ले। क्या शोर मचा रखा है, शाहिद? शाहिद लाइट ऑफ कर, सुना नहीं? लाइट ऑफ कर जल्दी, लाइट बंद करने। तेरा बोलना जरूरी है। सो जा, और में क्या रखा है।
अबे चल बोलो ना सर को। मैंने कुछ नहीं किया सर पे। सुन के मेरे आप चुप हो तो। साहब मैंने आप मुझे डिस्कस करने के लिए लेके जा रहे हैं। तू कौन है रे? साहब मैंने तो पुलिस लेके जा रहे हैं। तू कौन है रे? शाहिद दराज। तू शाहिद है क्या? चल रे उसको छोड़। इसने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। चल सीधा बैठ जा। ये तीन टोटल बता, इसमें से किसको पहचानता तू? बता हा? मैं ये करने आ गया। इसको पहचानता है? इसको पूछने चुकी है, इसको पूछने के लिए क्या ऊपर जाओ? है मोटी चोरी सामने सारे पेशाब कर दो तेरे मुंह में। बता और संजय मुझे कुछ नहीं पता है। अल्लाह के तो मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे पता है सारी प्लीज प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है। सर सर एक्सक्यूज मी सर 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 मैं सर आरिफ। हाँ भाई खड़ा क्या तू? बैठ जा। थैंक यू सर। वो एक्चुअली सर मीटिंग करनी थी। किस से? सर शायद सर मेरा भाई। खड़ा हो जा। सुनाई देता क्या? खड़ा हो जा। अब उससे तेरा भाई नहीं है, देश का दुश्मन भी है। टाड़ा समझता है? सर मैं आर्थर रोड जेल गया था सर। मुझे आर्थर रोड जेल गई तेल लगाने? कहां से है तू? गांव कौन सा है तेरा? सर बॉम्बे। अच्छा फ्रंटियर मेल पकड़ो, बॉम्बे चला जा। पौने छह महीने बाद आना। छह महीने सर? मैं सर पिछले दो हफ्ते से आ रहा हूँ। मुझे बोला था आज शायद मिल सकता है। हम पे एहसान करने आ क्या दो हफ्ते से आ रहा है? चूतिए, हमने गलती तेरे भाई को टेररिस्ट बनने को? सर ही इज नॉट अ टेररिस्ट। प्लीज आप ये सब बीएस कर। अंग्रेजी मत झाड़ना इधर, अंग्रेजी मत झाड़ना इधर। मैंने अंग्रेजी बोली ना तो गेंद फट के हाथ में आ जाएगी। बैठ चुप।
गाली क्यों मत करें, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही तो बोल रहा हूँ, मुझे शायद से मिलना है। निकल बाहर सर, निकल बाहर यहाँ से। सर निकलने की क्या बात है, मैं आपसे मतलब, अरे आप रुकिए ना, मैं बात कर रहा हूँ। बाहर चल साले, सर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप तुम थोड़ा बैठना, बैठ मारूंगा बैठ, सर आर्थर रोड का नक्शा यही बना दूंगा तेरा। क्यों, मैंने कुछ गलत चल रहा है। ऐसा है, यहां पे दस्तखत कर दे, मैं सही सलाह दे रहा हूं, तुझे सस्ते में छूट जाएगा, वरना तो यूं ही लट्ठ भाजेगा और यहीं पड़ा है। बात मान मेरी, मैं सच कह रहा हूं यार, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, यही एक इलाज है तेरे पास, कर दे। अच्छा है, मैं नहीं मारते हैं उसे, नहीं आज अच्छा है मी, बता तेरे को शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? क्या भूखा नहीं रह जाता क्या 30 दिन? बच्चे हो गया तुम लोग, क्या दबा के खाए जा रहे हो सबके सब? शर्म आनी चाहिए अपने आपको मुसलमान बोलने के लिए। क्या घूर क्या रहे हो, खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उमर शेख। जानता हूँ, सुना आपके बारे में। तुम्हारा नाम क्या है? शाहिद। बड़े चुपचाप रहते हो यार तुम। सॉरी उस दिन के लिए, रोजे के बाद दिमाग खराब हो जाता है मेरा। एक तो तुम खाली पेट बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई बंधु खाना खा रहे हो। सहरी नहीं करने देंगे तो भूख तो लगेगी नहीं। दिस कंट्री डजंट गिव अ शिट अबाउट अस माइनॉरिटी। शतरंज खेलते हो तुम? खेलता तो चलो अभी।
तो कभी चलो ना। I'm getting out of here. मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें तो सजा बची है ना अभी? लेकिन मुझे निकालने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। प्लेन हाईजैक करेंगे, लोग किडनैप करेंगे। तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे वो मसूद साहब के लिए। चल मेरे साथ, शायद देख मेरी तरफ, शायद देख मेरी तरफ। क्या तुझे क्या लगता है, तुम निकलेंगे यहाँ से कब? बोलना कब? नहीं पता, नहीं पता। अरे भाई मत आया तुम यहाँ पे। अब निकल रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट किया मैं? अभी ठीक है रे भाई, अभी नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, तो फायदा नहीं है। फायदा क्या नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद। अरे भाई आप आते रहोगे ना, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। अब मत आओ प्लीज। पढ़ने का शौक है जियादी को? जियादी नहीं। हाँ हाँ, हेलो हेलो, क्या 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 फिर से बोल। क्या जियादी नहीं होना? जियादी करना चाहते हैं? आपको क्या पता मेरे बारे में? जिस बिरादरी में तुम घूमते हो, जिहादी नहीं बनना? किस बिरादरी में? वही जिनका तुम उठते बैठते हो है, फुटबॉल शुटबॉल एंड ऑल दैट। सब दोस्त हैं मेरे। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ स्मार्ट लोग हैं। समझ रहे हो? कब किससे क्या बोलना जानते हो लोग। पहले एक पॉलिटिकल लेक्चर देंगे, उसके बाद तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तब तुम जानोगे कि वो लोग पहले से अपने आप को सुपीरियर समझते। जानता हूँ मैं उस उमार को, अच्छा बोलता है। हाँ अच्छा बोलता है तो कुछ नहीं। उमार भी जानता है कि काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं होते, द बैड बुक। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं भाई, गधों को इकट्ठा कर लो, अपने आप लीडर बन जाओ। समझ रहे? और आप इतने बड़े एक्सपर्ट कैसे हैं? क्योंकि मैं एक ऐसे गधे की कहानी जानता हूँ। कौन? मैं। अरे करे कौन सर? जीते रहो जीते रहो। ये डॉक्टर सक्सेना है, प्रोफेसर पंजाबी मिनिस्टर। इनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ। बहुत ग्रेट आदमी है गुलाम नबी बांस। कश्मीर में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। मैं भी उसमें इनकी हेल्प कर रहा हूँ। यू वांट टू चेंज द सिस्टम, बी अ पार्ट ऑफ इट सर। वार के अबू का काफी बड़ा कारखाना था कारपेट्स का, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें आतंकवादियों को पैसे देने पड़ते थे। और एक दिन जिन्हें पैसे दिए उन्होंने ही फंसा दिए, अब बेचारा जेल में। ये हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हैं ना, नाराज से।
जो 2 महीने हुए हैं उसके अब्बू भी गुजर गए। इसे कैसे किसी को भी पहचान के अंदर कर देते हैं। तुम कहां तक पढ़े हो शायद? कॉलेज के एग्जाम दे रहा था सेकंड ईयर के। तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। वेलकम। क्या थक गया? नहीं नहीं हेलो। क्या हुआ? पढ़ाई करनी है। हाँ तो करो। वार्डन नहीं मानेगा। मैं वार्डन से बात कर लूंगा। और क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसे घर से नहीं मंगाना। मैं दे दूंगा तेरी फीस। नहीं कुछ ठीक है मत कर पड़ा। जरूरत तुम्हारा खुंदारी दिखा रहा था। नहीं नहीं मैं वापस कर दूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोन है भाई। हाँ मैं हाँ वापस ठीक नहीं दे रहा हूँ। मैं वापस कर देना। थैंक यू। एक शर्त है। हाँ उमर आफ्ताब इसे मिलने जुलना बंद। मैं जानता नहीं और किसी को यहाँ। क्यों हम लोगों नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। ठीक है संडे को मिल लेना उनसे। ओवर गेम ऑफ चेस ओनली। और ब्रेन वॉश मत होना उनसे। नहीं नहीं तुम क्या ब्रेन वॉश हो भाई। जा चलो ना खेलते। नहीं नहीं तू खेल खेल। थैंक यू। अच्छा लड़का है। ब्राइट किड। इतिहास या हिस्ट्री चाहे वो किसी देश की भी क्यों ना हो उसे पढ़ने से पहले हमें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश का इतिहास लड़ाइयों युद्ध और कॉन्क्वेस्ट और बैटल फील्ड का लेखा जोखा रखना नहीं है बल्कि इतिहास बीच मुगल एम्पायर एंड बैनिश देम आउट ऑफ द एम्पायर and take over. Within 5 years time, this man turned out to be the most remarkable king of India. Sher Shah Suri. You guessed it right. Understanding of the final aspects of life are very deep. Just see how simply he says, we look before and after and pine for what is. It's amazing how simply, how honestly, and how precisely he has put a thought that we all understand, but nobody has had the words to express. It's only Percy Bushy. Thank you.
हमारे डॉक्टर सक्सेना हमेशा बोलते हैं, लहरों के खिलाफ तैरना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें कर पाओ तो शायद वहां पहुंचोगे जहां कोई और नहीं पहुंचे। वक्त का इस्तेमाल करना है दोस्त, खूब पढ़ाई करना है। साल ऐसे निकल जाएंगे उनके पास। मैं सिर्फ रिहा हो रहा हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं रहा, आता रहूँगा। थैंक यू। स्पष्ट है कि स्टेट वर्सेस शाहिद आजमी के केस में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। शाहिद आजमी को ये कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और कोर्ट शाहिद और उसके परिवार को इसकी वजह से हुई तकलीफ और असुविधा के लिए क्षमा चाहती है। वक्त लगता है पर हो जाता है। इंडियन जुडिशरी वर्क्स। कैसा है फर्स्ट फ्लोर? अम्मी हाँ, ये दूध वाला है, देखना जरा। अच्छा ये चंदू, दही नहीं जमता आजकल। जॉब के लिए वो इंटरव्यू वगैरह होते हैं। जॉब नौकरी करेगा इंटरव्यू वगैरह करेंगे जॉब पढ़ाई पर अभी भाई लॉ पढ़ना मुझे फॉर्म भर दिया ना फिर से क्यों पढ़ रहा हूँ लॉ के चक्कर में यही करना है तो क्षेत्र यही पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ ही।
बेटा एक काम पे नहीं हो जाएंगे, मैं कर दूंगा। तो रख बेटा, रख, तुझे जरूरत होगी बेटा, है मेरे पास। रखो ना। खूब तरक्की करो, खुश रहो। क्या बना रहे? क्या खाएगा? बिरयानी बना लो। ठीक है, चल। अरे भाई आ गए? मिली है भाई, ये मकबूल मैंने ना लॉयर इनके यहाँ पे बढ़िया है, और ये पुराने वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। मतलब ये लोग पैसे थोड़े कम दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिलेगा। बारह सौ रुपए कैसे हो? चल कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, हो जाएगा। सही फर्स्ट पेपर लास्ट पेपर के सेम को लेकर राधी साहब, कितने सालों से काम कर रहे हैं आपको? या मुझे लगता है 7 से 8 साल हो गए। मुंह पे मारेगा जज आपके, और आप लोग सिविल देखते हैं ना, हैं? जिस तरह से सिविल केसेस अलमारियों में बंद पड़े पड़े सड़ जाते हैं, 200 साल लग जाते हैं, उसी तरह आप लोगों का दिमाग भी हो चुका है, सड़ चुका है। ये देख रहे हैं पेंसिल, ये छोटी हो गई, ये घिस चुकी है, उसी तरह आप सब घिस चुके हैं। ये साली शार्पन भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं लिखनी आती आप लोगों को। बॉम्बे हाईकोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? सेशन कोर्ट में होना चाहिए आप लोगों को। चले जाइए सब लोग, जाइए। गफार, गफार मैनेजर के ऑफिस में। मैनन किधर है? वो बिजी है तो उन्होंने मुझे भेजा। कौन है तू? मेरा नाम शाहिद है। हाँ तो क्या आपके केस के लिए मुझे भेजा उन्होंने? वो बिजी है, नहीं आ सकते हैं। अरे भाई, तेरे को पता है तू किससे बात कर रहा है? जी पता है, अब तक कुल 20 गाड़ियां चुराई हैं आपने बॉम्बे से। जो लास्ट गाड़ी आपने चुराई थी उसके मालिक को भी मारा है आपने, आग चली गई है उसकी।
जो भी कहना ना आप मुझसे कहिए। बैठ के बात करें। मैं उनसे बात करूंगा। जा ए अब्दुल, शक्ल देख ले इसकी। शायद वो मिलन सर के ऑफिस से कहिए। आपकी हियरिंग है नेक्स्ट वीक, तो आप फीस के लिए नहीं। वो मतलब सर ने बोला था कि नहीं, जितने लॉयर्स मैं देख चुकी हूँ उतने शायद ही किसी और ने देखे, बट मैं फीस अरेंज नहीं कर पाई, तो प्रॉपर्टी सेल के बाद जो भी परसेंटेज है आई कैन गिव दैट। बट एक्चुअली सर ने बोला है कि हियरिंग के, आपके सर ने हियरिंग के पहले चाहिए पैसे, तो आप जाइएगा। तो मैंने आपसे कहा आप जाइए यहाँ से। अब चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ सर से, आप अब बाद में पैसे दे। नो सॉरी, आई डोंट नीड एनी है, प्लीज अब जाइए। नो हाउ डू वी मेक मनी? शायद केसेस गफार, उसको मिला था सर मैं जाके, वो झूठ बोल रहा है सर, पता है। देखो पहले उसे तुम पर भरोसा होना चाहिए, फिर धीरे धीरे तुम्हें उस पर भरोसा होगा, वक्त लगता है ना। I know sir, but police is right sir, he is guilty. पता है sir, पता है तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं हम? Because डिफेंड क्यों कर रहे हैं? Because वो क्लाइंट है। But sir ये ओपन एंड शट केस है, हमको पता है एक आदमी गिल्टी है। तो अब मैं तुम्हें फिर से पूरा लॉ का पूरा क्लास लू क्या? पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? फैक्ट्स पता करते हैं। पहले हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, राइट? यस। जब फैक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं फिर हम उनको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। इन मोटी मोटी लॉ की किताबों से सर फोड़ोगे तो बेटा हर केस हारोगे तुम। एंड विटनेसेस? हाँ विटनेसेस। क्या विटनेसेस? व्हाट अबाउट देम? विटनेसेस सब हॉस्टाइल हो चुके हैं भाई, सब हाथ में है मेरे। ये क्या मतलब, ये क्या है सर? आप किसी और को रख लीजिए इस केस पे। सुनो, तुम आए थे इस ऑफिस में, सर मैं क्रिमिनल केस करूंगा, मैं क्रिमिनल केस लड़ना चाहता हूं इस ऑफिस में। मेरे केसेस की चेरी पिकिंग नहीं होती है, कोई नहीं करता है, इसलिए गेट आउट। आउट क्या लगा चल रहा है? पूरी दुनिया पैसों को भी छपा हो रही है, पता नहीं मैं तो नहीं बना इसके बाद। मैं सोच रहा हूँ खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। खर्चा है पर इतना नहीं है, थोड़ा बहुत लगेगा। पहले से दो लोन लिए हुए हैं,
चल अच्छा मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा, कल ऑफिस जाऊंगा ना, वहां स्टार्ट कर। कब शुरू करने की सोच रहा है? कल मिलेगा लाइसेंस। मतलब पहले से अप्लाई किया? मरियम, दिस इज शाहिद। वो मैं आपको मिला था ना, आपके घर आया था मैंने सर के ऑफिस से। नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं, नहीं मैंने मैंने खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी एक्चुअली। जी अच्छा, आपने दूसरा लॉयर किया क्या? शाहिद आजमी। प्लीज आप आइए, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या लेंगे, चाय पानी? नहीं बस कुछ नहीं। बेटा पानी लेके आओ पहले, और दो चाय भी बोलता हूँ। खराब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस ना आपका? हाँ। थोड़ा बताइए ब्रीफली केस के बारे में। मेरी स्टेप मदर है, उन्होंने अब्बू के विल को कोर्ट में चैलेंज किया है। अब्बू ने घर छोड़ा था मेरे लिए बॉम्बे में, उसी को क्लेम कर रही है। आपकी स्टेप मदर? ये उसी की फाइल? यस। मेरे पास कुछ नहीं है इस घर को छोड़ के। नहीं आप टेंशन ना कीजिए, घर आपके आपके पास ही रहेगा, राइट? आपकी फीस क्या होगी? फीस हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे बाद में। नहीं बट कुछ तो होगी, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे भी हमारे लॉयर्स के कोड ऑफ एथिक्स में एक लॉ होता है। क्या? हम लोग ऐसा करेंगे कि हम आपके दुश्मनों से आपका फ्लैट आपको दिला देंगे, और फिर खून उसको रखेंगे, और फिर हमसे लेने के लिए आपको फिर से एक लॉयर करना पड़ेगा। मैंने नहीं सुना है। सॉरी मैं। हाँ मैं ऑफिस में, ठीक है। सलाम अलैकुम। ये जहीर का बच्चा है, उसने आज तक अपने अबू की शक्ल नहीं देखी। चाचा के बच्चा। क्या नाम रखा है? असगर। असगर अस्कर, अबू से मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह। बंटवारे की वजह से सब लोगों का नुकसान हुआ है,
زیادہ تر مسلمان قوم کا. یہ قوم آج ہندوستان میں بھی پس رہی ہے, پاکستان میں بھی پس رہی ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی پس رہی ہے. وہی جا چند لوگوں کی غلطی میں سے سب کو سہنا پڑتا ہے, کیا کریں. سو میں آپ کو بتا دوں ظہیر کے بارے میں, جو گھاٹ کوپر بلاسٹ کے اندر ہوا لڑکا, سافٹ ویئر انجینئر لڑکا, ایک دم بے گناہ لڑکا ہے. تم اس کے گھر والوں سے ملے؟ میں نے اپنی طرف سے پوری اسٹڈی کر لی ہے, لڑکا ایک دم بے گناہ, مجھے پورا یقین ہم جیتیں گے کیس ان شاء اللہ. تمہاری فیس میٹر ہوا؟ بالکل چنتا مت کیجیے, مطلب جو بھی تھوڑا بہت بس آفیشیل. ہاں ہاں وہ تو, ارے وہ تو دیں گے, وہ تو دیں گے. میں دراصل اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہماری جماعت میں جو بھی پیسہ آتا ہے وہ چندے کی صورت میں آتا ہے, اور ماہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور جو وہ زکات دیتے ہیں اسے ہم چندے کے طور پہ لے رکھ لیتے ہیں. جی جماعت میں رہتا ہوں. ہاں بالکل, آپ فیس کی بالکل چنتا مت کیجیے, وہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا تھا نا مجھے سچ سچ بتانا, کچھ بھی مت چھپانا. اگر مجھے بعد میں پتا لگا نا تم نے کچھ چھپایا ہے یا کچھ بھی جھوٹ بولا ہے تو میں کیس چھوڑ دوں گا. اسے جو کچھ بھی ہے ابھی سچ سچ بتاؤ. اللہ قسم شاہین بھائی, کچھ نہیں کیا میں نے, بس ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ اپنا لیپ ٹاپ میں نے اپنے وہ پتا ہے مجھے, ڈیڑھ سال ہو گئے شاید پہلے, روز کوئی نہ کوئی آ کے مار کے جاتا ہے مجھے لات جوتے, جیسے کوئی انسانی کتا ہو. کوئی ویلو نہیں ہے یہاں پہ انسان کی. آپ نے دیکھا نا میرا گھر, آپ کو لگتا ہے کہ میں آتنکوادی ہو سکتا ہوں؟ پبلک پروسیکیوٹر یو کین کنٹینیو. ظہیر یہ لیپ ٹاپ جو ہے کس کا بولو نا بھائی, کس کا لیپ ٹاپ ہے؟ لیپ ٹاپ کس کا ہے؟ میرا. تمہارا لیپ کس کو دیا تم نے؟ جلدی بولو نا بھائی, کس کو دیا؟ دوست کو. اپنے دوست کو دیا. تو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارا دوست اس لیپ ٹاپ سے کیا کر رہا تھا؟ جی اس بارے میں مجھے معلوم نہیں. تمہیں بالکل نہیں معلوم, تم نے ایک لیپ ٹاپ اپنے دوست کو دیا, وہ اس سے کیا کر رہا تھا یہ تمہیں معلوم نہیں؟ ہنڈریڈ پرسینٹ میں ایک کلائنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا انہیں نہیں معلوم. کیسے نہیں معلوم؟ ان کا دوست تھا. کاؤنسل پلیز پلیز یور آنر, ان کا جو دوست تھا وہ اس لیپ ٹاپ کا استعمال ایک بینڈ آرگنائزیشن کے لیے, ان کے لیٹرز بھیجنے کے لیے, جس میں ابھی تک یہ بات یہاں اتنی ہوئی ہے کہ لیپ ٹاپ جو میرے کلائنٹ کے پاس, پلیز لیپ ٹاپ ان کے دوست کے پاس تھا جس وقت یہ ویڈیوز ملے. ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیپ ٹاپ کو جو اس پہ جو یو آر ڈوئنگ کنٹمپٹ آف کورٹ. ہاں پلیز پلیز, اس لیپ ٹاپ میں جو پایا گیا ہے اس میں جہاد کی بات چل رہی ہے, اس لیپ ٹاپ کے اندر گجرات رائٹس کی ویڈیو پائے گئے ہیں, تمام طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی بات کی جا رہی ہے اس لیپ ٹاپ کے اندر. ظہیر کا دوست نے استعمال کیا, یعنی پروسیکیوشن خود ہی کرے ظہیر کا چیز کے لیے استعمال کر رہا تھا. تو ظہیر کہاں سے گرے اس سے ایک لیپ ٹاپ دیا؟ مورے صاحب پلیز آپ سینے رہے ہیں پلیز, اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا. تھینک یو. آپ ظہیر تم نے وہ لیپ ٹاپ اپنے دوست کو دیا؟ انامول کو. یونر میں آئے پلیز. تھینک یو.
जहीर तुमने वो लैपटॉप अपने दोस्त को दिया इनामुल को? जी दिया। क्यों दिया? उसे उसका कंप्यूटर खराब हो गया था तो उसको जरूरत थी कंप्यूटर की। आपके फाइल में लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर रिपेयर का काम है, तो आपने कंप्यूटर उसका रिपेयर क्यों नहीं कर दिया, अपना लैपटॉप दे दिया? जी उसको अर्जेंट कुछ जरूरी था, जरूरी काम था। कंप्यूटर खराब हो गया था तो वो साइबर कैफे में जा सकता था, आपने उसको लैपटॉप दिया? लैपटॉप कोई साइकिल नहीं है, कोई दोस्त ने मांगी और आपने उठा के दे दी? दोस्त है वो कितना पुराना दोस्त है आपका? जी जब जब हम लोग चार पाँच साल के तब से, चार पाँच साल से जानते हैं उनके, पाँच साल वो एक साथ पाँच साल। आपको कल को एक दोस्त के पास अगर वो फ्रेंड है, अगर वो आपने कहे कि मैं आपको पेन कैमरा लैपटॉप नहीं देंगे, लेकिन मुझे मालूम होगा ना उसको क्या करेगा। सीनियर किए जा रहे हैं सुबह से आपको। मेरा एक दोस्त आके मुझे कहता है कि मैं मेरे बचपन बचपन का दोस्त कि मैं आपके घर रुक जाऊं दो तीन दिन तो मैं उसको हाँ कर दूं क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। अब वो मेरे घर में आके अगर बम रख दे तो उसमें मुझे क्या पता करने वाला है? अगर बम आपके घर पे मिलता है तो अगर मुझे नहीं कि मेरा दोस्त कैसा है, क्यों गुनहगार है आप? गलती के लिए, उस गलती के लिए मेरा क्लाइंट 1.5 साल जेल में रह चुका है। आपके बचपन का जो दोस्त होता है उसको आप अंदर इनसाइड आउट जानते हैं आप, है ना? मुझे बात नहीं आता। अरे आप कहाँ चले गए वहाँ? दोस्ती के पीछे पड़ गए आप। आप एक बात बताइए, पांच साल की उम्र से जो साथ नहीं आप बचपन के दोस्तों को जानते हैं ना आपने? शर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ आप बचपन के दोस्त होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं। इसमें है क्या? अरे कुछ नहीं है। अरे देखो 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 है ना? अरे नहीं है। अरे दोस्त Mr. Prosecutor, I hope you realize you are on a slippery ground. Your Honor, police investigate कर रही है, आपको मालूम है टाइम लगता है? डेढ़ साल से पुलिस इन्वेस्टिगेट ही कर रही है। आप इसे जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए प्लीज। And now we request bail. Bail denied. Next hearing, please. तेरे को तेरे वो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। Next hearing 24th. Please reconsider. No. अंडरटेकिंग्स क्या हुआ था? आप बदल सकते हैं, खरीद सकते हैं, मर सकते हैं, सब हो सकते हैं। सब कुछ हमारे फेवर में, इतना मत सोचिए। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग वहाँ कोर्ट में क्या बात करते हैं, मतलब आप और जज क्या बात करते हैं। आई रियली डोंट नो हमारे फेवर में है या नहीं। बहुत लोगों को नहीं समझ आता। यू आर डन टेलिंग यू आई थिंक नेक्स्ट डेट या मैक्सिमम उसके नेक्स्ट डेट जजमेंट आ जाएगा और हमारे फेवर में आएगा। मतलब एक महीना? एक नहीं मतलब 3 महीना मैक्सिमम। आपको कुछ जल्दी है? हाँ मतलब मैं सोच रही थी कि प्रॉपर्टी सेल करके फिर मैं दिल्ली चली जाऊंगी और वहाँ जाके स्कूल खोलूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। स्कूल तो आप यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनको भी अच्छे टीचर चाहिए। मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ रुकूं? नहीं ऐसा नहीं, मतलब बच्चों के लिए आप रुक सकते हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं मतलब एज ए लॉयर मुझे पता होना चाहिए ना आप आपके बारे में सब। तो हो गई आपकी शादी? अगली हियरिंग में पूछने वाले हैं जज? नहीं कोर्ट में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी नहीं हुई है। इट्स ओके, मत जवाब दीजिए। वैसे हो गई? आप बहुत सवाल करते हैं। लाए रोला। Thank you.
Hello. Hello, Mariam. Who is this Mariam, beta? This is Ramanathan. Ramanathan. खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुझे बताया भी नहीं है. नहीं नहीं अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, शुरू किया है बस. अच्छा बायदा भी मरियम को आने बता ना. नहीं नहीं कोई नहीं, क्लाइंट है. अरे बता दे. क्लाइंट है. हेलो हेलो शाहिद जी बोल रहा हूँ. शहीद का केस छोड़ दे. कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ. छोड़ दे गाड़ू, मर जाएगा. कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ, छोड़. नेक्स्ट टाइम फोन नहीं करूँगा, उड़ा दूँगा. मुझे गैंगस्टर ने धमकी दी है. क्या? कोई गैंगस्टर है, उसने धमकी दी है मुझे फोन पे. क्यों? पता नहीं क्या, कुछ तो कह रहे हैं कि जो तुम केस लड़ रहे हो मरियम का, इससे पीछे हट जाओ. मेरा क्या, आपके कोई रिलेटिव है क्या? आपकी व्हाट नॉनसेंस. मैं नहीं जानती हूँ किसी को. नहीं नहीं, पर धमकी आई है. एक्चुअली मैं एक और केस लड़ रहा हूँ, कह रहे हैं कि उससे बैकआउट कर लो. क्या करो? घर वाले क्या कहते हैं आपके? मैं उनको नहीं बताया अभी. एंड यू आर टेलिंग मी? क्यों? आप बताइए ना, क्या क्या करना चाहिए? ओके, आई थिंक आपको पीछे नहीं हटना चाहिए. क्यों? Because you are right and they are not. Yes. मुझे पता था आप यही बोलेंगे. अच्छा, कैसे? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है. यार ना, कोर्ट में जो नए एग्जिबिट सबमिट हुए हैं उसमें अल्ताफ अहमद और इमरान कुरैशी की कन्फेशन स्टेटमेंट है, और पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें ये कहा गया है कि जहीर इन दोनों के साथ प्लान में शामिल था, जबकि उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि वो लोग सिर्फ जहीर को जानते थे, ना कि वो उनके साथ किसी प्लान में शामिल था. प्रोसिक्यूशन योर ऑनर, हम लोग मिनिस्ट्री का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो लोग ये कंफर्म नहीं कर दें कि ये नंबर जो है दुबई का, ये मोबाइल नंबर दुबई का है, तब तक ये एविडेंस बन नहीं सकता. कितना वक्त लगेगा इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स योर ऑनर, वी रिक्वेस्ट बेल. Bill denied. Kindly reconsider. Noted. Your Honor, ये मिनिस्ट्रीज के बीच की बात है, इसमें बहुत वक्त लग सकता है. ऑलरेडी मेरा क्लाइंट 1.5 साल से जेल में, उसका एक छोटा बच्चा जिसे उसने आज तक नहीं देखा. योर ऑनर, बेल डिनाइड. वी रिक्वेस्ट यू टू काउंसिल एंड प्रोसीडेंस की बात, नॉट प्रमोशंस की बात. 1.5 साल का बच्चा, प्लीज अप्रोच द बेंच. Mr. Shahid, sometimes you have to let go. You know, with all due respect, all I'm saying is that prosecution ke paas mere client ke against koi proof nahi. Look, be with the case ko latka rahe hain. Kya baat kar rahe hain? Hum log wo sab cheeze kar rahe hain jo within the laws hai. Kya baat kar rahe hain? Procedure follow kar rahe hain? I know. Kamal ki baat karte hain hum log. Sir, main nahi keh raha ki ye log galat kar rahe hain. But sir, all I'm saying is कि जब आप इस एक्ट के अंडर किसी को अरेस्ट करते हैं तो एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना पुलिस के पास. ये मतलब थोड़ी कि आप 10 साल किसी को बेवजह जेल में रख सकते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पर लाके पुलिस की बात. सर, 15 साल बाद अगर आप किसी को नॉट गिल्टी कह के छोड़ भी देते हैं ना, व्हाट्स द यूज़?
This law is national necessity, Mr. Shahid. I know. Sir, justice ko delay karna, usse deny karna hai. We are here to serve the law. I'm not questioning the law, sir. I'm not questioning please it. All I'm saying is, Mr. Shahid, just look at please, it. Please, you can go now. Both of you. Next hearing. Mr. Ahmed Sheikh and Apurva. Assalamu alaikum, Ashraf bhai. It was a very calm down. वैसे आपकी ये UAE एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में पहचान है ना? हाँ, उनसे ने एक फैक्स करवाना इंडियन मिनिस्ट्री में. अरे नहीं 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 नहीं, आप बस यही काम करा दो जल्दी, जिंदगी भर दुआ देगा कोई. शाहिद भाई, नवी बार बेल डिनाइड. तो और क्या करेंगे जहीर, उनके पास कुछ है ही नहीं तो डिले करेंगे ना बस. पर कितना वक्त और? पता नहीं जहीर, एक महीना, दो महीना, तुम देख लो. मैं ट्राई तो कर रहा हूँ. वो दिन जज ने प्रोसिक्यूशन को बोला था ना, यू आर ऑन स्लिपरी ग्राउंड. केस स्ट्रांग है हमारा जहीर. सर, गुजरात राइट्स के वीडियो मिले उनको, मुझे कुछ एजुकेशनल वीडियोस थे, कुछ हिस्ट्री चैनल के वीडियोस थे, अब्बू मम्मी के पिक्चर्स थे. नहीं, उनका केस है, वो जो दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे. और मैंने तुम्हें क्या बोला था जहीर? क्या बोला था मैंने? कि वक्त लाए यहां पर, हो जाएगा. ये लेटर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से है, एंड इट्स बीन कंफर्मड बाय दुबई मिनिस्ट्री. एंड दिस लेटर स्टेट्स की प्रोसिक्यूशन इतने दिनों से जिस मोबाइल नंबर की बात कर रहा था, उसका रजिस्टर्ड यूजर ख्वाजा यूनुस से मेरे क्लाइंट नहीं है. इट्स ऑल देयर सर. प्रोसिक्यूशन? यस सर. आर यू अवेयर ऑफ दिस? नो सर, मैं इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ. एंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल. बट यू नो, ये प्राइमरी एविडेंस है. प्रोसिक्यूशन इसी मोबाइल नंबर की कंफर्मेशन की वेट कर रहा था. हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला. बट यू वर सेइंग ना कि दुबई से मोबाइल नंबर आया, तो आगे कंफर्मेशन. दुबई से आया, कुवैत से आया, कहीं से भी आया, आया तो अभी है ना. लास्ट हियरिंग में प्रोसिक्यूशन ने खुद बोला था कि वो वेट कर रहे हैं. प्रोसिक्यूशन, आपको डायरेक्टली कुछ कहना है तो प्लीज कहिए, वरना आगे बढ़ते हैं. प्लीज, देयर इज अ सिमिलर केस, यू कैन हैव अ लुक. वी नीड सम टाइम. बढ़िया ना, दुबई मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि मेरे क्लाइंट उस मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड यूजर है ही नहीं. कहीं की मिनिस्ट्री से कंफर्म हो जाए, उससे क्या फर्क. आप ही ने प्रोसिक्यूशन हर केस के, प्रोसिक्यूशन हर केस के अपने पहलू होते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत ये रेलिवेंट है और मैं इस एविडेंस को एडमिट कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. वी नीड सम टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह, ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ विटनेसेस. 4th ऑफ ऑगस्ट. 4th ऑगस्ट. एक्सक्यूज मी. Next heading. Thank you, Shahid bhai. कब तक बोलते रहेंगे बिल लेना आएंगे? कभी तो बोलेंगे ना नॉट गिल्टी. आपने कभी यहाँ की बिरयानी ट्राई की है? नहीं. बहुत अच्छी बनाते हैं लोग. अच्छा, ट्राई करते हैं कभी. ट्राई करने? अभी अभी डिनर के लिए कर सकते. कल, आज, जब भी आपको. कल मिलते हैं. कल मिले? हाँ. आज थोड़ा बिजी हूँ. पता है, बहुत बिजी हूँ. आई नो. आपकी वजह से केस जीती हूँ, तो अभी जो काम है वो तो करना पड़ेगा. नहीं, आप नहीं होते ना तो सिर्फ लॉयर्स के ऑफिस में मैं केस लड़ रही होती. ओ, एक मिनट. ये पूरी फीस नहीं है, पर दिस इज द टोकन अमाउंट. अभी के लिए आप ये रख लीजिए. अरे प्लीज प्लीज मरियम, नहीं ऐसे मत कीजिए. मैं, आप रख लीजिए प्लीज, इसकी जरूरत नहीं.
पूरी फीस नहीं है अभी। मुझे पता है इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं। नहीं नहीं प्लीज, क्या जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा आपसे। ठीक है। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मरियम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। I really like you. Yeah, I know, मतलब बहुत अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए, बट आप जानते हैं ना मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा बच्चा है। मरियम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। क्या आपकी फीस? मरियम, कॉफी के लो। मरियम, थोड़ी तू बैग देख। मरियम, आपके इंतजार में। पता होता मैं बता के जाता लेट आऊंगा। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? तुम्हें नहीं पता? भाई सब पता है। कौन है? कौन लड़की? मैं कोई लड़की नहीं है। अरे भाई, जिसके साथ बीच पे घूम रहा था, खालिद ने सब बताया। बोल कौन है? मरियम नाम है उसका। तेरी तरक्की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्यों जाता है उसके घर? हाँ, अरे पूछने दे, कौन है, क्यों जाता है? बोल। बीवी है मेरी। देखा, मैंने बोला था इसे शादी बजा डाली। क्या क्या बोरी में तेरा बोल रहा? और ये बात दूसरों से क्यों पता चल रही है हमें? तू हमें क्यों नहीं बताएगा? हम लोग कुछ नहीं है तेरे लिए।
मैं बताने वाला था, फिर मुझे डर लग रहा था आप तो जब वो वापस जा रही थी तो फिर जल्दी में मम्मी। अरे अच्छा है ना, बहू आ जाएगी, घर का काम मम करेगी आपके लिए। बहुत अच्छी लड़की है मम्मी। खुश है तू? आप ऐसे गुस्से में देखोगे तो कैसे खुश होऊंगा। खुश है तू? हाँ खुश है। ठीक है, मुझे मिलना है उससे। मरियम, मरियम, अरे इतनी जल्दी क्या बात है? मतलब बर्बाद होना है, काम वाम नहीं करना है? इसमें तो मर भी जाए तो कोई खबर नहीं है। अम्मी से मिलने चलना। अम्मी से? तुमने बता दिया? बता दिया। फटाफट करके आओ, अभी निकलेंगे तो पहुंच पाएंगे। बहुत ट्रैफिक मिलेगा। शाहिद? हाँ। ये क्या? क्या हुआ? नहीं मतलब मैं पहनू? तुमने मुझे कभी देखा है बुर्का पहना? सिर्फ आज पहन। तुमने मुझे पूछा? मैं आज के बाद कभी नहीं कहूंगा पहनने को, सिर्फ आज के लिए कह रहा हूँ मैं। प्लीज मैडम प्लीज, अभी मैं अच्छी नहीं लग रही। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। प्लीज आओ, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। समीर के बारे में बताया तुमने? मैं बता दूंगा जल्दी। मैंने अभी तुम्हारे बारे में बताया ना, अभी समीर के बारे में बता दूंगा, थोड़ा वक्त है जरा। प्लीज प्लीज अभी अभी देखो, अभी बिल्कुल वक्त है हमारे पास। अभी तुम प्लीज पहन के हो, अभी कोई झगड़ा नहीं होगा। जल्दी चलो, मैं पहनाता हूँ। तारिक भाई, आरिफ भाई, ये वो खबरी खालिद, बहुत सिगरेट पीता है ये भाई। कब की छोड़ दी मैंने? ये परसों नहीं पी रहा था तो शाम को। तारिक भाई था ना ये राहुल के साथ? मैं नहीं था वो भाई। अम्मी सबसे ज्यादा मार खाई है बचपन में से। अम्मी आदाब, कैसी हो बेटा? बेटा वो खालिद को बोला है मैंने बड़ा घर देखने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेंगे। वो मैं सोच रहा था क्या करेंगे ना, घर का कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैंने तुम लोगों की शादी तय नहीं की तो कहाँ रहोगे, ये कैसे तय करूँ? ठीक है मैं जा लेके आता हूँ। अरे भाई वो, अरे भाई चाय का रहने दो, निकलना है मुझे, मुझे पहुंचना है कहीं, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा फिर। ठीक है तो मैं जाना है। तुम्हें चलते हैं, मुझे कहीं जाना है। ठीक, उनको रास्ते में छोड़ देता हूँ। जरूरत थी अभी बोलने की? आज पहली बार मिले थे मम्मी से।
से अपने बेटे को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? ऐसे घर में ना तो वो पढ़ सकता है, ना उसकी परवरिश अच्छे से हो सकती है। लुक एट मी, मैं भी ऐसे नहीं रह सकती। मरियम, हम लोगों की परवरिश भी उसी घर में हुई है, हम लोग भी वहीं बड़े हुए हैं। मरियम, हम लोग ले लेंगे लड़के और इसी मोहल्ले में रहेंगे हम लोग। चलेगा? मरियम, आज बाहर चले डिनर के लिए? कुछ करते हैं ना, जाएगा नहीं ठीक है। चलो चलो, मैं चाय भी पीना पसंद करता हूँ। अभी कल ही पीआईएल दर्ज किया है, ये सब कूड़ा वूडा सब साफ कराना है, है ना? एक काम कराना है। क्या हुआ? आप गुस्सा हो गया मुझसे? क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ भाई? क्या बोलूं शायद, तो जा रहा है ना घर छोड़ के आराम से शादी कर। घर वालों का क्या है, उनको मैं देख लूंगा। थक गया हूँ यार मैं, शायद थक गया हूँ। तू नहीं बोला था ना मुझसे कि अपने बारे में ख्याल करूँ मैं, अब सोचूं अपने बारे में। बोल कैसा नहीं है भाई? कैसा नहीं है शायद, कैसा नहीं है बोल ना। लेकिन तू घबरा मत, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुझे भी जरूरत हो ना तो मेरे पास ही आना, मैं दूंगा तुम्हें। अरे भाई, प्रोसिक्यूशन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का मानना है कि जहीर शेख को जेल में ही रहना चाहिए। ये डिफेंस के शाहिद भाई आपको बोल रहे हैं, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनके बच्चे का चेहरा देखिए। देखिए योर ऑनर, बिल्कुल देखिए, सबके चेहरे देखिए आप, और वो चेहरे भी देख लीजिए आप जो ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनकी उनके परिवार वालों के भी चेहरे देख लीजिए। योर ऑनर, स्टेट टेररिज्म एक्ट के तहत ये केस चल रहा है और इस आदमी में शक है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इस आदमी को जेल के अंदर ही रहना चाहिए और जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है हमारी उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से इस मामले की छानबीन कर सके। जहीर शेख बहुत खतरनाक आदमी हो सकता है। अच्छा, डिफेंस, इन्होंने जहीर शेख पिछले 2.5 साल से जेल में ही 10 बार इनकी बिल रिजेक्ट हो चुकी है और इस दौरान पुलिस इनके खिलाफ कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं ला पाई।
प्रोसिक्यूशन हर हियरिंग में कहते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्होंने बिना कुछ साबित किए जहीर के माथे पर टेररिस्ट का लेबल लगा दिया है, और इन लोगों की पूरी दुनिया ने लगा दिया, पूरी दुनिया ने जहीर को टेररिस्ट मान लिया है बिना कुछ साबित हुए। इन्होंने ये जहीर के अब्बा है, इनकी 30 साल की नौकरी इनसे 1 मिनट में छीन ली गई। क्यों? क्योंकि पुलिस ने इनके बेटे को सिर्फ शक के बिना पे टेररिज्म केस में अंदर कर दिया है। तो क्या प्रोसिक्यूशन ये मानता है कि इस्लाम और लिबरलिज्म एक नहीं हो सकते हैं, या फिर जहीर सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि उसका नाम जहीर है, मैथ्यू, डोनाल्ड, सुरेश, मोरे, ये सब नहीं है, या वो सिर्फ अपने नाम की वजह से जेल में है? अगर 10 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन बिना एविडेंस के चलती रहेगी तो क्या जहीर 10 साल तक जेल में रहेगा? उसके बाद अगर बाहर आ भी गया नॉट गिल्टी करार करके तो वो करेगा क्या? कहाँ जाएगा? कौन उसको नौकरी देगा? वो सारी जिंदगी टेररिस्ट के नाम से जाना जाएगा और ऐसे घूमता रहेगा। प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। क्यों खतरनाक आदमी है ये? इसने क्या किया है? सिर्फ एक लैपटॉप खरीदा और अपने दोस्त को दे दिया? यू नो, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे ब्लास्ट के बहुत लोग मरे हैं, मेरी भी सहानुभूति इनके लिए है, पर उसके लिए आप किसी को भी उठा के तो अंदर नहीं डाल देंगे ना? चलो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस का फैसला आज सुनाया जाए। इट्स ऑलरेडी बीन डिलेड अ लॉट, और प्रोसिक्यूशन के पास कोई रीजन नहीं है कि उसको जेल में रखा जाए। पिछले 2.5 साल से जहीर शेख इस एक्ट की वजह से जेल में है। कोर्ट इस बात को मानता है कि इस एक्ट की वजह से कई बार आम आदमी को ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट डिफेंस यह एक्ट बहुत जरूरी है, इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। प्रोसिक्यूशन ने अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि जहीर शेख गिल्टी है, इसलिए कोर्ट स्टेट वर्सेस जहीर शेख में जहीर शेख को बाइज्जत बरी करती है, नॉट गिल्टी। निर्दोष होने के बाद भी बंधा मैंने आपको जेल में रहना पड़ा, इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी? जी कुछ नहीं। क्या आप चाहते हैं कि स्टेट आपके सामने अपोलोजाइज करे? अपोलोजी सुनने में अच्छा लगता है, पर यहाँ अपोलोजी का कोई काम नहीं। क्यों? जब आपने अपने बच्चे को उसके पैदा होने से अभी तक ना देखा हो तो यहाँ अपोलोजी का क्या काम? शायद योर कमेंट, ये टेररिज्म का सामना आज पूरी दुनिया कर रही है और मैं भी उसके सख्त खिलाफ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी आम आदमी को उठा के जेल में डाल देंगे सिर्फ इसलिए कि उसके पास लड़ने का कोई जरिया नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस जिस किसी को भी पकड़ती है वो इनोसेंट होता है, एटलीस्ट कुछ लोग तो होते हैं ना जो बेवजह 5 साल 15 साल पता नहीं कितने साल जेल में गुजार देते हैं, मैं उसी चीज़ के खिलाफ हूँ। क्या पुलिस पर डेफामेटरी केस करोगे? आप लोग आज तक कहाँ थे? मुझे किसी पे कोई केस नहीं करना है।
आइए ना दादा, चलिए आइए, चलिए बहुत बहुत। मैं पी चुका हूँ, पी ले और पी ले। Seven blasts and seven locations. This group basically has logistical answer. I'm so sorry. Amit, so good. वो उम्र की जनानी ऑफिसर, उसने छोड़ मेरे को रात भर सब। जब मेरे हाथ बंधे हुए थे, कंप्यूटर पे दिखाया मेरे को सब हराम का। यहां से ब्लड निकाल के अल्लाह ताला मेरे को कभी माफ नहीं करेगा। ये लोग मेरे को बाहर नहीं निकलने देंगे, सब मेरे को नहीं निकलने देंगे बाहर। हेलो, गांधी समझता है क्या खुद को?
जियादियों का गांधी। कौन बोल रहा है? जियादियों का केस लड़ता है गांडू। हाँ, एक आतंकवादी दूसरे को पहचानता है ना, करता है साला। तुम बहुत देशभक्त हो ना, तुम्हें उड़ाना है ना मुझे, तुम उड़ा दो। कुत्ते की मौत मरेगा तू गांडू, उड़ा दो तुम। तुम्हारे कहने से मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगा। मुझे मालूम है क्या किया तुमने कश्मीर में, सब मालूम है। जेल में था, उधर भी क्या किया मालूम है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए बस। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तुम्हें 10 फोन करने, 1000 फोन करने। कुत्ते की मौत मरेगा, मार दो। चाचा, पुलिस को कोई तो मैप मिला है टेररिस्ट के डेड बॉडी से, और उसी के चलते ये सब जेलों में जाके ढूंढने लगे और ये फहीम खान को उठा लिया। इसकी गलती बस इतनी है कि जब ये अरेस्ट हुआ था इसके पास भी एक मैप मिला था, और यही अब टेररिस्ट के लिए भी मैप बनाएगा, मतलब वही गलती फिर दोहराएगा, और वो भी उस वक्त जब वो जेल में है। कुछ सोचना तो चाहिए ना करने से पहले। एकदम ओपन एंड शट केस है ये बेटा। मामला बड़ा पेचीदा है, तुम्हें पूरा यकीन है ना? मुझे भरोसा नहीं तो मैं क्यों कहता आपको। हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे ना, फांसी पे चढ़ा देंगे इसे। बेटा वो जो तुम्हें कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे उनका कुछ पता चला? पता नहीं, पुलिस ने भी मदद नहीं की। पता नहीं, मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया सबके बारे में। बेटा मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर। फहीम खान पर यह आरोप है कि 26/11 को जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसके लिए इन्होंने टेररिस्टों तक टारगेट लोकेशंस के मैप्स पहुंचाए। उस दिन ऐसा दहशत फैला जिससे हम सब आज तक नहीं उबर पाए हैं। आम आदमी की हालत तो ये है कि घर से निकलकर दफ्तर तक पहुंचना तो दूर की बात, वो अपने घर में बैठा सुरक्षित नहीं महसूस करता। सर, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजाए मौत सबसे कड़ी और सबसे बड़ी सजा है, लेकिन मेरी आज ये रिक्वेस्ट है कि फहीम और तमाम ऐसे दूसरे लोगों को इससे भी बड़ी और कड़ी सजा दी जाए, कि ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले इनकी आत्मा तक कांप उठे। That's all your honor. Defense. Your honor, ये जो टेरर अटैक्स हुए हैं इसमें बहुत से बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। हम में से काफी लोगों की फैमिलीज, यार दोस्त, जानने वाले काफी लोग मरे हैं, और इस सबका हमें बहुत दुख है। हम सब 3 दिन तक अपने अपने टीवी सेट के सामने ये सब डिस्टर्बिंग इमेजेस देख रहे थे, और शायद जिंदगी भर ये इमेजेस हमारे दिमाग से नहीं जा पाएंगे। इन अटैक्स का जो डेथ टोल है वो 164 है। 164 बेकसूर लोग इन अटैक्स में अपनी जान गंवा चुके हैं, और आज प्रोसिक्यूशन जो चाहता है एंड विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर वो हो गया तो ये टोल बढ़कर 165 हो जाएगा, और वो 165 वाला बेकसूर इंसान होगा फहीम खान। ना ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी दहशत होती है तो पुलिस किसी भी आम आदमी को उठाकर अंदर कर देती है, केस चलता रहता है, और जो असल में सब दहशत फैलाते हैं वो लोग तो अब भी कहीं बैठकर आराम से जश्न मना रहे होंगे, एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर दारू पी रहे होंगे, उनकी आगे की प्लानिंग चल रही होगी और अटैक्स कैसे किए जाएं। उन तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती है। उन लोगों को यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों हमेशा कोई गरीब जो अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वो ही क्यों हर बार फंस जाता है? प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर पाए कि फहीम खान गिल्टी है। But we have very strong reasons to believe कि फहीम खान को सजाए मौत क्या, उससे बढ़कर सजा क्या,
उसको तो एक एक घंटा एक सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू। क्या आप अपना नाम कोर्ट को बताएंगे? स्वप्निल माजगांवकर। आप क्या करते हैं? जी मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जोगेश्वरी में। आप जोगेश्वरी में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं? जी। क्या आप इनको पहचानते हैं? हाँ, ये मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। क्या नाम है इनका? आप इनको किस नाम से जानते हैं? साहिल पावस्कर। योर ऑनर, किसी भी इंसान को अपनी पहचान बदलने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो अपने पास्ट से बहुत ज्यादा मायूस हो, परेशान हो जाए। लेकिन क्या इस केस में ऐसा हुआ है? माय क्लाइंट सर, उनके पास सर, मुझे आगे प्रोसीड करने से रोका जा रहा है। ये केस मेरे क्लाइंट के पास को लेकर नहीं हो रहा, ये केस 26 जनवरी अटैक के बारे में। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट सर, ये बेबुनियाद पॉइंट है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज थैंक यू सर। 2007 में फहीम खान बंबई आए थे टेररिस्ट टारगेट लोकेशंस का मुआयना करने के लिए। उस वक्त इन्होंने एक फेक पासपोर्ट बनवाया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और लैमिंगटन रोड में किराए का एक मकान लिया जिसमें ये वहां रह रहे हैं। ना मेरा क्लाइंट उस मकान में पिछले 2 साल से रह रहा है सर, और कोई बंबई आएगा तो वो कहीं तो रहेगा ना, किराए का मकान तो लेगा ही। सारे पेपर सारे लीज़ और ना, रहने के लिए एक मकान चाहिए होता है। प्रोसिक्यूशन 2 साल पहले तक खुद किराए के मकान में रह रही थी, तो क्या वो भी टेररिस्ट है? दैट्स नॉट द पॉइंट। डोंट बी पर्सनल, कम टू द पॉइंट। इट्स अ केस ऑफ क्रिएशन ऑफ परफेक्ट अलिबाई, दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू। क्या नंबर बताया आपने? स्वप्निल माजगांवकर। स्वप्निल माजगांवकर, आपका इंस्टीट्यूट का जोगेश्वरी में है ना? जोगेश्वरी। आप आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 175 एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, वेरी नाइस। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जानते होंगे अच्छे से ना? हाँ। उनके नाम से भी जानते होंगे? हाँ। ठीक है। तो मिस्टर मजगांवकर, ये ब्लू शर्ट वाला लड़का कौन है? इसका नाम सर, ये दोबारा ये व्हाइट शर्ट वाला कौन है? सर, अभी तो उन्होंने कहा कि वो उनको पहचान गए। योर ऑनर, मिस्टर स्वप्निल ने एक मिनट में मेरे क्लाइंट को देख के पहचान गए, तो वो इनको भी नहीं पहचान सकते शक्ल देख के। तो बताइए ना योर ऑनर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताइए इनका क्या नाम है? बताइए क्या नाम है इनका? आप नाम जानते हैं? ऐसे आप नाम जानते हैं? ये सुन लो, आप नाम जानते हैं? ये सुन लो, सिंपल सुन लो, अंडरस्टैंडिंग नेम। ये सुन लो, आप जानते हैं इनका नाम? ये सुन लो। नो, ओके नो। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर स्वप्निल। आपके इंस्टीट्यूट में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन की? 12th पास। 12th, ओके। तो मतलब आप एडमिशन के वक्त मार्कशीट लेते होंगे बच्चों की? हाँ। आपके रिकॉर्ड्स में होती होगी? हाँ जी, होता है। तो आपने क्या, आपने क्या नाम बताया इनका? क्या इनका नाम? साहिल पावस्कर। साहिल पावस्कर, तो आपके पास साहिल पावस्कर की मार्कशीट भी होगी अपने रिकॉर्ड्स में? होगी ना, होनी चाहिए, ऑफकोर्स होगी। से लाउड, क्या है मार्कशीट है आपके पास? है। ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट में रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट एग्जाम, ये सब होते होंगे? रिटन टेस्ट होते हैं ना, पेपर का इस्तेमाल होता होगा तो लिखते होंगे स्टूडेंट्स? सर, पेपर के इस्तेमाल की क्या बात हो रही है सर? सर, ये कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क के लिए पेपर का इस्तेमाल होता ही है सर। शायद प्रोसिक्यूशन को पता नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है। आजकल एग्जाम कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, सिर्फ पेपर पे नहीं होते हैं। शायद प्रोसिक्यूशन के टाइम पे रिटन टेस्ट होता होगा, आजकल काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। इस्तेमाल हो रहा है सर। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस हैंडराइटिंग पे डिपेंड है। यो ना, ये हैंडराइटिंग जो इन्होंने रिटन टेस्ट दिया है उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ही हैंडराइटिंग पे डिपेंड है ऑनर, और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। जी सर, डिफेंस लॉयर को जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास है? हाँ। उसे कोर्ट में जमा करिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू ऑनर। नहीं आता
सर आप टेररिस्ट के केसेस क्यों लड़ते हैं? ये आपका क्वेश्चन है? इसका मतलब आप टेररिस्ट को डिफेंड नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? मिताली, डू यू ऑनेस्टली बिलीव के पुलिस जिन लोगों को परांगमा या डू यू ऑनेस्टली बिलीव के जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है वो गिल्टी होते हैं? फिर ऐसे तो हमें जुडिशरी की जरूरत ही नहीं, मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया और आप गिल्टी हो गए, राइट? परांगमा, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको सच्चाई बताओ, बट एटलीस्ट उसके आसपास तो हो ना, या आप भी उन सब की तरह जिन्हें आम आदमी की कोई कीमत ही नहीं है? सर, लेकिन आप आम आदमी नहीं है। मैं आम आदमी क्यों नहीं हूँ? और मैं केस भी आम आदमी के लड़ता हूँ, यू नो, जिनके पास फीस देने तक के पैसे नहीं होते, जिनके पास कोई जरिया नहीं है कि वो जस्टिस ले सके, उनके केस लड़ता हूँ मैं, ना कि टेररिस्ट के केस लड़ता हूँ। इसका मतलब ये सब आप लाइमलाइट में रहने के लिए करते हैं? ये आपका दूसरा सवाल है सर? सर ये मेरा चौथा सवाल है। शोमी, चलिए सर, सॉरी, दिस इंटरव्यू इज ओवर, थैंक यू सर। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मेरे सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे लिख के दिए हैं सर। तो आपने सीनियर को बोलिए कि सच्चाई जानने की कोशिश करें, यू नो, सिर्फ सवाल ना लिखे, उनके आंसर ढूंढने की भी कोशिश करें। आई नो सर, बट स्टिल मैंने अपने लॉयर बनने का डिसीजन क्यों लिया? कैसा है मेरा बेटा? अच्छे। अच्छा है ना? मम्मी कैसे तेरी? अच्छी। अच्छी। सेकंड है ये स्कूल में, हाँ? बताया अब्बा को? सेकंड है। शाबाश बेटा, मम्मी को परेशान मत करना बेटा। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। अच्छे से रहना, तेरा अब्बा बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है तेरा अब्बा। भाई तुम नूरुद्दीन को जानते हो? दुबई में था तुम्हारे साथ में, हाँ? उसको आज मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, नाम कर दे। दुबई में उससे मेरा पता नहीं था। नूरुद्दीन साहब, आप इनको कब से जानते हैं? बहुत टाइम से, दुबई में था मेरे साथ। अच्छा, आप क्या करते थे दुबई में? मैं ड्राइवर था और ये मैकेनिक। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि इनका आतंकवादियों के साथ मिलना जुलना है, उठना बैठना है? अजीब अजीब लोगों से तो मिलता था जी, रोज शाम को मिलता था, वहाँ बैठ के बातें करते थे। अजीब अजीब लोग मतलब क्या? अजीब अजीब लोग मतलब आतंकवादी नहीं होते। So I want to request the request, अजीब अजीब को डिफाइन करें। सर, अजीब अजीब क्या होता है? क्वेश्चनिंग पूरी की जाए। अजीब अजीब क्या होता है सर? ये मुझे बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं अपने सवाल तो पूरे पूछ लूं। अरे अजीब अजीब, वो अजीब अजीब लोग मतलब ये था कि मतलब उन लोग जैसे बातें करते समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनके चेहरे फेशियल एक्सप्रेशन लगता था। आप जानते थे उन लोगों को कि नहीं? जी नहीं, मैं तो भाषा भी नहीं जानता था, लेकिन अजीब अजीब बातें करते थे अरबी लैंग्वेज में, मैं तो हिंदी फारसी हूँ। ठीक है, आखिरी बार आपने इनको कहाँ देखा था? नेपाल में। आप वहाँ क्या करने गए थे? मैं तो घूमने गया था जी, बीवी बच्चों के साथ। वहाँ आपने इनको कहाँ देखा था? जी मैं अपने होटल में था, होटल के बाहर से गुजर रहा था, मुझे देखा और ऐसे इग्नोर कर रहे थे, जानता नहीं। इसने आपको नेपाल में इग्नोर कर दिया था? हाँ जी। क्यों? मुझे क्या पता, उससे पूछो, बताओ भैया तूने इग्नोर क्यों किया था? फिर क्या हुआ होटल में? कुछ नहीं हुआ जी, उसके बाद तीन चार दिन बाद मेरे रूम में आया, वापिस आया और रोने लगा जोर जोर से, इसने मेरे से खाना मंगाया और फोन बजाया इसका, इतने फोन पे फोन बजे जाए, इधर उधर घूमने लगा, बहुत सारे पेपर थे वो सब इसके गिर गए। आपने उन पेपर्स को देखा था जो गिर गए थे? देखा जी। क्या था उन पेपर्स में? ग्रीन ब्लू पेपर, मैप, नक्शा, बहुत कुछ चीजें। मैप भी था? मैप भी था जी। ऐसा मैप था? हाँ जी ऐसा था। पुलिस के मुताबिक आपने फहीम खान को ये मैप आतंकवादियों को देते हुए देखा था? हाँ जी देखा था, बहुत सारे थे, ले लेके घूमता था। कहाँ हुआ था ये सर? नेपाल में। योर ऑनर, ये वो नक्शा है जिसके आधार पर मुंबई का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया गया था।
That's all, Your Honor. Thank you. Your witness. Thank you. ये मैं आपका कैसा थोड़ा बड़ा था जी बड़ा ऐसा तो करेक्ट क्यों ना ऐसे मैप गूगल पर अवेलेबल है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैंडमेड मैप पर क्यों रिलाई करेगी उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें तो मालूम नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के बेसिस पर इतने बड़े बड़े हाथ से करते हैं या नहीं लेकिन लगता है शाहिद साहब को इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से आपने काफी समय बिताया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है ना Are you accusing me? No, I'm not. Are you accusing me? No, I'm not. Are you accusing me? I'm just stating certain facts. Am I on trial? You are not on am trial. Am I on trial? Who's on trial? I'm just stating certain facts. Am I on trial? Fahim Khan is on trial. And there's another fact. This case is in my past. Shahid Saab. She's accusing me. Shahid Saab. I can sue her for this, but I won't. Sir, terrorist organizations. No, you're not going to jail. Are you saying I'm a terrorist? Jail ke andar aapke You know, I can sue the prosecution for this, but I won't. Prosecutor. Because the case Fahim Khan ka hai, mere bare mein nahi. Shahid Saab, aapne kaafi samay jail mein bhi bitaya hai. So? Wahan bhi aapka uthna baitha, aatankwadiyon ke saath uthna baitha. Nothing was proven. To aap kya karte, jo jail mein aata wo terrorist hota hai. Maine aisa nahi kaha. Acha to Shivaji Maharaj, Bhagat Singh bhi jail mein rahe. Matlab wo bhi aatankwadi hai. तो अब आप अपने आप को शिवाजी महाराज भगत सिंह की पत्नी नो मैं किसी से कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं ऑल आई एम सेइंग इज शी इज अक्यूजिंग मी ऑनर प्रोसिक्यूटर बैठ जाइए नो आई कैन सू हर फॉर दिस आई वोंट इज शी सेइंग आई एम अ टेररिस्ट व्हाट आर यू सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस सर या प्लीज मिस्टर नरुद्दीन आप नेपाल अपने खर्चे पे गए थे मेरे एक दोस्त ने पैसे दिए थे बीवी के साथ गया था बलवंत ठाकुर नाम का दोस्त है मेरा उसने पैसे दिए थे उसने आपको पैसे दिए थे बलवंत ठाकुर नाम है कैसे गए थे आप नेपाल ट्रैवल कैसे किया आपने ट्रेन फ्लाइट क्या कैसे गए ट्रेन से गए थे घर से तो गाड़ी में थे गाड़ी से स्टेशन गए वहां से ट्रेन पकड़ी ट्रेन से उतर के फिर गाड़ी पकड़ी और होटल वेरी नाइस क्या नाम था ट्रेन का नाम नहीं पता इतने घूमता नाम वाम नहीं नाम नहीं पता आपको ट्रेन का इनको नाम नहीं पता है ट्रेन का कोई बात नहीं कब गए थे आप नेपाल कौन से महीने में फरवरी 14 फरवरी वापस कब आए थे कौन से डेट को कोई बात नहीं पता भूल गए हूँ क्या करेंसी है वहाँ नेपाल में खर्चा किया होगा ना आपने कुछ क्या करेंसी ध्यान रखते पैसा बहुत आपने एक पैसा खर्च नहीं किया कहाँ रुके थे आप होटल में होटल में कैसा था होटल अच्छा था अच्छा था खाना वाना अच्छी सर्विस मिली आपको मोमोज क्या नाम था होटल का आपका नाम क्या है नाम नेपाल की करेंसी ट्रेन का नाम कौन से महीने में गए थे कैन आई कम टू द पॉइंट कैन आई कम टू द पॉइंट प्रोसिक्यूटर बैठ जाइए थैंक यू योर ऑनर मिस्टर नूरुद्दीन को ये नहीं पता कि वो किस ट्रेन से गए थे वो कब वापस आए थे किस होटल में रुके थे नेपाल की करेंसी क्या है पर उन्हें ये पता है कि जो कागज गिरा था वो मैप था और वो मैप बॉम्बे का था इनको ये सब पता है You know, all I'm saying is, we can't trust the witness. He's lying. Thank you. यार शायद कभी दोस्तों की बात सुन ले कुछ भी बोलेगा कोर्टरूम में क्या हुआ क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो रुक जा मैं भाभी को फोन करके क्यों ना लाऊं यार तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पागल है कि उसको पागल वाली बात ही नहीं है अरे यार क्या बोल रहा है मार दे क्या बोल ले क्या तू सुना मत तू 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 अकेले क्या कर रहा है हां 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 हां
शाहिद शाहिद यहाँ नहीं रहता। अरे अरे वो यहाँ नहीं रहता अब। किधर रहता है? मालूम नहीं, एड्रेस नहीं मेरे पास। अच्छा आप लोग कौन है? अब मैं बोल देगा उसको। ठीक है मुझे एक फोन करने। फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देगा उसको। ठीक है आप जाओ अपना काम। क्या आप लोग जाना अपना काम कराना। देखिए शाहिद अभी यहाँ नहीं रहता है। आप अंदर कैसे जा रहे हैं आप? आप अपना नाम बता दीजिए, मैं उसको बोल दूंगी। मालूम नहीं कभी आता कभी नहीं आता। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं बोल दूंगी शाहिद। अभी रहता किधर है? एड्रेस नहीं मेरे पास। अच्छा मैं वापस आएगा सर। केस के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं ना आपने भेज दिया मेरे घर पे। कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं, पता है मुझे कोई पता नहीं। नहीं 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 मिलेगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। खाना बन गया? घर पे कौन आया था? कौन आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था तो इतने डरे हुए क्यों? मैं क्या डरा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? कुछ समझ में नहीं आता है मुझे? हालत देखी है तुमने अपनी? इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहे। शायद क्या हुआ है? शायद कुछ बोलोगे? वो थ्रेट वगैरह नहीं कॉल आ रहे हैं फिर से? पता है मुझे परसों रात को भी फोन आया था। पुलिस को पता है? राम को बोला था ड्राफ्ट के लिए, बट मैंने कोई फायदा नहीं। टेंशन मत लो, ठीक है सर। चल खाना खा। शायद मैं चाहती हूँ तुम ये केस छोड़ो, तुम हट जाओ इस केस से। मेरे मन नहीं हट सकता केस से, तुम्हें पता है ना। क्यों हटूं मैं केस? क्यों कैसे मुझे नहीं पता। यू हैव टू डिसाइड, दैट्स इट। मरियम क्या डिसाइड करूं मैं? शायद मैं तुम्हें बोल रही हूँ लास्ट टाइम, तुम्हें ये केस से हटना पड़ेगा। इस केस से नहीं हटता, दैट्स इट बस। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। यू गेट अ स्किल शायद, तुम बर्बाद हो गया हमें। तुम पागल हो क्या यार? एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है मुझे चिंता नहीं है तुम्हारी? मैं तुम्हें मर रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? शायद ये जिंदगी हमारी मजाक नहीं है, और मुझे नई आदत ऐसे जीने की नहीं जी सकती मैं। पेशेंस खत्म हो चुका है मेरा। एक सेकंड, जिन लोग के मैं केस लड़ रहा हूँ उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? पुलिस के पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? मुझे मेरे अलावा कोई नहीं है उनका। हाँ उनका कोई नहीं है, हमारी तो पूरी दुनिया है ना। तुम्हारी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। समीर तुम मेरे कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी लाइफ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और कुछ नहीं। बेकार में तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और एक सुनो, तुम हिंदी सुन, मेरी बात सुनो। नहीं डोंट टॉक, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे बात सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, कहा था ना? तो दिन रेस्टोर में थे हम, तुमने कहा था नहीं हटना चाहिए? कहा था मैंने। तो फिर तब शादी नहीं हुई थी हमारी। मैं मसीहा लोगों का बनो,
पहले तुम डिसाइड करो मैं करूं क्या। चलो खाना खाते। पिछले एक हफ्ते से बुखार है सर, पता नहीं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास गया था? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई तुम उसको मरियम? क्या मरियम डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो मरियम मरियम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मरियम? ये तुम पागल हो क्या? पापा सर कुछ क्या क्या कर रहे हो तुम इसे मरियम? तुम क्या कर रही हो? राणा कोर्ट के पास इस केस में दो अहम एग्जिबिट हैं। ये वो डेड टेरिस का ब्राउजर है। प्रोसिक्यूशन आप गुड मॉर्निंग प्रोसिक्यूशन आप इस ब्राउजर का ओरिजिनल कलर बता सकती हैं? इसका कलर क्या था बता सकती हैं? आप बता सकते हैं? नहीं राणा इसका ओरिजिनल कलर था डार्क ग्रीन बट नाउ यू कैन सी no green, it's completely soaked in blood. And your honor, this map, जो according to prosecution फहीम खान ने टेररिस्ट को दिया था, absolutely clean, not even a single drop of blood, very nicely creased. Your honor, ये map इस ट्राउजर की पॉकेट में 3 दिन तक रहा था। Then how is it possible कि इस पे खून का एक कतरा तक नहीं है? How is it possible? It's very simple, Your Honor. ये map planted था। Objection. Defense is trying to oversimplify the case, sir. The case is simple only, Your Honor. It's common sense. Prosecution के केस में कोई लॉजिक ही नहीं है। Prosecutor. Defense has a valid point. Please sit down. Thank you. The voting on it. कौन से पेज पे? एक एक सेकंड. हाँ दिख गया. मैं तुमको फोन करता हूँ चल पढ़ के. आर्टिकल छपा मेरे बारे में पेपर में रिफॉर्म्ड आर्टिकल
ना मैं कभी टेररिस्ट था ना रेडिकल था, ये क्यों ये सब बकवास लिखते हैं यार मेरे बारे में? And how can they reform me? What do you want, Shant? ये लोग मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ते हैं यार मरियम? वो लोग तुम्हें फोर्स करेंगे तुम्हारे कल में जीने के लिए. It's up to you. तुम्हें हर दिन नई शुरुआत करनी होगी. सिर्फ आने वाले कल के लिए जीना होगा. जब तुम दूर होते हो कितनी सेंसिबल बातें करती हो. मैं सेंसिबल ही थी उस वक्त भी. You hate me, ना? मुझे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीनी है शायद. मैडम मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने जल्दी. नहीं नहीं आई डोंट वांट यू टू कम. प्लीज मैम आई नीड यू यार. एवरीबॉडी इज अगेंस्ट मी प्लीज. हेलो मैं क्या करूँ? मैं सर इतना ही तो बोल रहा हूँ कि 8 बजे अगर तुम खाना खा लो तो 12 बजे तक तुम्हारा खाना खत्म हो जाए. अब तुम आराम से सो जाओ. तो ये हम लोग आते हैं क्या? हेलो सुबह वालों को बोलना. ठीक है मैं आ रहा हूँ. दो मिनट में आता हूँ फिर से. बेटा खाना खा के ही चला जा. रोटी में क्या रखना है? आइए अंदर आइए. कैसे क्या काम आ गया रात को इतनी जल्दी? आइए इधर पानी दे बेटा. सुबह आ जाते मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया. दर्द बेइज्जती जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया. उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है. पतंदर जुर्म करने वाले जुर्म सहने वाले इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है. क्या होता है? मरता भी इंसान और मारता भी इंसान है. Your Honor, मेरा सबमिशन भी वही है जो मेरे दोस्त लेट एडवोकेट शाहिद आज़मी का होता है. Your Honor, प्रोसिक्यूशन के तरफ से अभी तक एक भी क्रेडिबल विटनेस या प्रॉपर एविडेंस प्राइमरी या सेकेंडरी सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि फहीम खान दोषी है. On the contrary, हमारे सामने ऐसे कई एविडेंस आए हैं जो ये साबित करते हैं कि फहीम खान निर्दोष है. यार जब पुलिस टेररिज्म केस में किसी आम आदमी को उठाकर अंदर करती है वो गिल्टी है कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है. पर सोसाइटी के लिए वो आदमी तभी की तभी गिल्टी करार दे दिया जाता है. मीडिया के लिए सोसाइटी के लिए वो टेररिस्ट बन जाता है जिंदगी भर के लिए. Your Honor, जुडिशरी के पास फिर से ये जिम्मेदारी आई है कि वो पुलिस और समाज की तरफ से की हुई गलतियों को सुधारे और फहीम खान जैसे निर्दोष आम इंसान को सही इंसाफ दे सके. और उस इंसान को भी इंसाफ मिल सके जो फहीम खान जैसे निर्दोष लोगों के लिए लड़ते लड़ते मारेगा.
Yeah.
करेगा। किसी के पास पैसे पासपोर्ट जेवर वगैरह है ना वो निकाल लो डालो इस बक्से में। आजो आजो शाबाश चलो डालते जाओ और आगे बढ़ो। ओए ओए अरे आ रहे अरे मैं जना हाँ हाँ इधर आ जना चलो ये चेन निकाल के डाल इसमें। जनाब चेन में नहीं उतारता तेरी बहन की। चल निकाल इसमें और पैसे उठा दफा हो जाए यहां से। गुलाम होकर जीने से बदतर दर्जा इंसान के लिए कुछ नहीं है। जो इराक में हुआ बोस्निया में हो रहा है कल वही कश्मीर में भी होगा। आपकी अम्मी अब्बू भाई बहन सबके साथ यही होगा।
پڑوسی ملک کا خوف اپنے دل میں لیے آخر کب تک جیتے رہیں گے ہم؟ بس ہوئے دبار برداشت نہیں کریں گے ہم. اسلام کا مرکزی نشان، اصلی مقام اور آخری ہتھیار ہے جہاد. ہمارے دشمنوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آلہ ہتھیار ہے، کیسے روکیں گے؟ ہے کوئی راستہ؟ ہے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے شہادت کا. ایک بات بتاؤ، تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوکر کی سہولیت تھی؟ اور جنت میں 80,000 نوکر تمہاری خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، 80,000. جیسے ہی تمہاری اس زندگی کا خاتمہ ہوگا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی تمہاری، تمہیں وہاں وہ سب خوشیاں ملیں گی جو تمہیں یہاں نصیب نہیں ہوئی. اس لیے کل ہمارے دو سب سے اعلی جوان قربانی دیں گے. سر سر نہیں ہوئے، جناب کا ہے. جناب قربانی مطلب؟ ادھر آ. نہ کیا ترا؟ شاید قربانی دا مطلب ہے ہیومن بم. پر اسلام تو خودکشی کی اجازت نہیں دیتا. خودکشی؟ تجھے لگتا ہے یہ خودکشی؟ چپ تمام چپ. خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں، زندہ دل اور جانباز لوگ شہادت کو نصیب ہوتے ہیں. اس لیے موت کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو اور چل پڑو شہادت کی راہ پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سالے 3:30 اٹھاتے ہیں ان مر بغان، پھر ایک پیارا سا لیکچر بھی سناتے اور شام کو یہ جنت دکھا دیتے. کیا بولتے شاہد بھائی؟ کیا ہوا؟ گھر کی یاد آ رہی ہے؟ ٹھیک کیا نہیں کیا آپ کو؟ نہیں آتی گھر کی یاد؟ گیارہ کی ٹیم ہے، ایک وکٹ ڈاؤن ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہاں فرق ملتا تو ہے. شاباش رفیق، شاباش، بہت بڑھیا. سن لا تمہارے باپ بول رہے ہیں. شاہد تم کا ہڈیا، آج تمہیں جنت کی سیر کروائے. شاہد کدھر جا رہے ہو؟ جنت کی سیر کرنے. شاہد چلو، شاہد جلدی کرو. Thank you.
रहा है? जन्नत है वहां पे। भाई चलो खाना खाते। चलो क्या हुआ? शायद एक बात आप समझ लो, अभी भले हम किसी और की आजादी के लिए लड़ रहे हो पर यहां ना अपनी कोई आजादी आजादी नहीं है। शायद कल से तुझे फील्ड के 10 राउंड लगाने आए। शायद का फर्ज है कुर्बानी होए, दौड़ लगाएगा? शायद तो है। वल्ला वल्ला। चलो खाना खाते। चलो मैं आता हूँ। अरे चलो शायद भाई यार। चलो मैं आता हूँ। चलो वेट कर रहा हूँ मैं आपका, आ जाओ।